एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई गेम प्ले वीडियो में। और आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं ट्रेडर लाइफ सिम्युलेटर 2। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि लगभग मैंने अपनी शॉप में 20-22 हज़ार डॉलर इन्वेस्ट कर दिए थे। हमने अपनी शॉप को अपग्रेड करा, काफ़ी सारी चीज़ें हमने अपनी शॉप में ऐड करी और अभी अपने पास देख सकते हो कि 50,521 डॉलर हो चुके हैं। जैसा कि मैंने पिछली लाइव स्ट्रीम में कहा था, जिनको याद होगा, मैंने कहा था कि अगला एपिसोड में तभी डालूंगा जब मेरे पास 50,000 डॉलर हो जाएंगे, और फाइनली मेरे पास 50,000 डॉलर हो चुके हैं। लेकिन इनका एक और नया अपडेट आ चुका है, एक छोटा सा अपडेट आ चुका है जो कि आज हम चल के देखने वाले हैं। फिलहाल अभी जो अपना ये वाला रूम है ना, इसको हम अपना वॉशरूम बनाने वाले हैं, और इस वाले रूम को हमने वॉशरूम बना रखा है तो इसको हम अपना बेडरूम बनाने वाले हैं, क्योंकि ये रूम ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो भाई मुझे काफ़ी बंदों ने कमेंट भी करा था कि ये वाला रूम बेडरूम के लिए सही रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा सामान हम रख भी सकते हैं। इसको मैं काम करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, एक मिनट रुको, नहीं इधर ये ठीक नहीं लगेगा यार, इसको ना मुझे बीच में रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसको बीच में रखते हैं, थोड़ा सा पीछे करके यहाँ पे, ठीक है, बराबर दोनों साइड जगह पड़ी है। और हम एक काम करेंगे, यहाँ पे ना टीवी रख देंगे, टीवी हम लेके आ जाएंगे ख़रीद के। इधर भी सेम हमने थोड़े सा ना लैंप वगैरह रखने पड़ेंगे साइड साइड में, चलो रख देंगे वो सब। बाकी जो ये टॉयलेट है ना, हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, एक यहाँ पे अपना टॉयलेट आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे रख देते हैं हम अपना बाथटब, ये ऐसे करके, ठीक है। और इनको यूज़ भी कर लिया जाए, क्योंकि अभी अभी मैं सो के उठाऊँ तो फटाफट से फ्रेश होते हैं, उसके बाद चलते हैं अपनी शॉप में। और इतने सारे पैसे आज हम अपनी शॉप में दोबारा लगाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अभी बची है जो कि हमने करनी है, अपनी शॉप को थोड़ा सा और अपग्रेड करना है। आज हम अपनी जो शॉप है ना उसको फुल्ली अपग्रेड कर देंगे। तो एक काम करते हैं, अपनी जो व्हीकल है ना, एक मिनट रुको, मैं काम करता हूँ, व्हीकल में चले या फिर हम टैक्सी, नहीं व्हीकल ही में चलते हैं, कोई चक्कर नहीं। चलो कोई नहीं, वर्कर की सैलरी कट चुकी है। सामने भाई क्या नाका लगा रखे हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, ये चेकिंग चुकिंग कर रहे हैं क्या यहाँ पे? भाई मैं बात बूत करके आता हूँ इनसे, ये जगह पुलिस वाले खड़े रखे हैं यहाँ पे, पहले नहीं थे ये अब आ चुके हैं। अबे गन लटका रखे कि चिपका रखी है भाई, बेल्ट बुल्ट तो नज़र नहीं आ रही, M416 ले रखे, क्या बात है भैया है, वैसे तो फेवरेट है M416, लेकिन ये हमारे लिए तो नहीं है ना, ये कहीं भाई हमें छल्ली कर दें ये भाई, हमने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं भाई, हम तो भाई आराम से शरीफी से अपनी शॉप चला रहे हैं। अच्छा कोई लग रहा है मुझे यहाँ पर आया है, कोई ना बड़ा ऑफिसर वगैरह आया होगा, तब भी भाई इतनी सारी सिक्योरिटी है यहाँ पे, देखो पुलिस की गाड़ी है, बाकी ये थोड़ी VIP कार्स खड़ी है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई नहीं, तो ड्राइवर लग रहा है मुझे भाई। देखो गाड़ी के नंबर प्लेट पे भी सिक्योरिटी लिख रखा है, लेकिन यार हमें तो अंदर जाना, तो भाई देखना तो यार कौन आया यार, हमें भी बताओ, अंदर जाने नहीं दे रहे भाई ये, यहाँ पे गड्डी खड़ी कर रखी है बिल्कुल गेट के सामने, और आगे 6-6 पुलिस वाले और खड़े रखे हैं। पता नहीं भाई बंदा आने वाला है कि आ रहा है या फिर जो मर्जी, हमें क्या करना है भाई, हमारा रिश्तेदार थोड़ी है वो, हम यहाँ से निकलते अपनी गड्डी लेके, बस थोड़ा सा ना साइड में से चलाना पड़ेगा, किसी को ठोक देना फिर दिक्कत हो सकती है भाई, ये चलान चुलान ना कर दे अपना। और अभी मुझे भूख भी लग चुकी है, साथ ही साथ प्यास भी लगी है। चलो कोई नहीं, अभी चल के खाना पीना खाते हैं, पानी पीते हैं। एक काम करता हूँ, मैं अपनी कार को ना, नहीं यहाँ पे नहीं रोकना भाई, कस्टमर्स तो यहाँ से आते जाते हैं ना, मैं अपनी कार को ना एक काम करता हूँ साइड में पहले चल के लगाते हैं, ठीक है अपने भाई। चलो आज की सुबह सुबह की बोनी भी अपनी हो चुकी है, और अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि अपनी शॉप में लगभग सामान ख़त्म हो चुका है, मुझे काफ़ी सारा सामान लेके आना पड़ेगा। और एक मैं काम करूँ, सबसे पहले ना भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैं पे कर देता हूँ, ठीक है, इसका आ गया था मैं नोटिफिकेशन। और सबसे पहले अंदर चलते हैं, मुझे खाना पीना भी खाना है। तो देखो थोड़ी बहुत चेंजेस मैंने अपनी शॉप में की है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ी बहुत ही की है फिलहाल। तो अभी यहाँ पर फ़ोन बिक चुके हैं, चलो शुक्र भाई, फ़ोन ना काफ़ी कम बिकते हैं यार, पता नहीं क्या सीन है, काफ़ी कम फ़ोन बिकते हैं। देखो अभी थोड़े बहुत फ़ोन और पड़े हैं, इनको एक काम करता हूँ, मैं इनको भी ना इन फ़ोन स्टैंड के ऊपर रख देता हूँ, ताकि थोड़ी सी ना इधर स्पेस बन जाए, और फिर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट्स अभी लेके आते हैं तो हम आराम से यहाँ पे रख दें, क्योंकि टेबल्स अपने पास काफ़ी कम है, तो मैं टेबल भी लेके आ जाऊँगा आज, ठीक है। टेबल लेना है, हमने फ्रिज लेना है, काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है, पहले भाई थोड़ा सा भोजन हो जाए और एनर्जी ड्रिंक भी पी लेते हैं। और मैं सोच रहा हूँ ना ये जो लाइट्स पड़ी है ना, रुको एक ये वाली लाइट में उठा लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद इसको रहने देते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, ये वाली उठा लेता हूँ मैं, ये यहाँ पर ठीक नहीं लग रही। और इसको पता है हम कहाँ लगाएंगे, जो अपने रैक्स है ना, जो सामने लगाए हैं, तो मैं वहाँ पर ना उनके बीच में मैंने स्पेस दे रखा है, और मैंने स्पेस इसलिए दे रखा है ताकि मैं ये लाइट्स को इनके बीच में लगा सकूं, और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। अभी रुको मैं आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ पे आ जाएगा ना, ये देखो काफ़ी सही लगेगा भाई, हम जैसे जैसे इधर उधर जाते रहेंगे ना तो लाइट्स हमें नज़र आएगी, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा वो सही लग रहा है। और अब एक काम करते हैं, अपने पास कितने पैसे हो गए, 53,302 भाई, वेजिटेबल्स भी सारा खत्म हो चुका है, सारे की सारी वेजिटेबल्स खत्म हो चुकी है। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले शॉप अपग्रेड्स में क्या क्या बचा है, ठीक है, एक क्लोथ डिस्प्ले बचा 2500 का है, और उसके बाद क्लोथ डिस्प्ले 2 है वो है 3000 का, ये क्या हुआ, अच्छा ठीक है मुझे कार्ड में पैसे ऐड करने पड़ेंगे, कोई नहीं भाई कार्ड में तो आराम से ऐड कर लेंगे। ये कौन है भाई, ये भी अपडेट में है क्या, अच्छा ठीक है ये भी अपडेट का हिस्सा है, लेकिन है क्या ये, हाँ भैया
क्या यहाँ पे ट्रक ट्रुक बेच रहे क्या? हाँ ट्रक बेच तो रहे, नहीं बेच नहीं रहा, ये रेंट के लिए है ये, वो भी एक दिन के लिए $100 देगा। अरे भाई एक काम कर, तू मुझे बेच दे यार, मैं तेरे को $10,000 दे दूंगा इसके बदले। नहीं देगा भाई ऐसे नहीं देगा, ये रेंट पे देगा एक दिन के लिए। चलो कोई नहीं, अभी हम रेंट पे ले लेंगे भाई, ट्रक है तो इसका मतलब उसमें सामान भी काफ़ी ज़्यादा हम रख पाएंगे ना, उसको लेके चलेंगे ठीक है। अभी जो अपना जैबर है ना, जैबर शॉप है, वहाँ पे चलेंगे और सामान लेके आएंगे। अंदर कहाँ जा रहा हूँ मैं, ATM तो यहाँ पे है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना $20,000 ना ठीक है सबसे पहले बैंक में ऐड करते हैं, उसके बाद $10,000 ना मैं काम करता हूँ अपने कार्ड में। क्या हुआ भैया वहाँ पे? जीरो की जगह डंडा लगाना है एक यहाँ पे, एक कार्ड तो 1,00,000 नहीं है, 10,000 है, ये गई अपने कार्ड में ठीक है। $10,000 अपने कार्ड में, $10,000 अपने बैंक में। पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं भाई, पैसा तो बतेरा हो रहा है अपने पास में। तो अभी चलते हैं, $3,000 उसमें और $2,500 अपने लग जाए। भाई उसने क्या करा ये भाई, वॉलीबॉल की तरह उछाल दिया भाई उसने तो। लेकिन इसको देखो भाई, यहाँ से घूम के जा रहा है ये, यहाँ से ना घूम के जा रहा है, वहाँ से भी जा सकता था, लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसी जिसकी सोच। अभी हम चलते हैं, सबसे पहले जो क्लॉथ डिस्प्ले है ठीक है, मैं उनको फटाफट से अपग्रेड करता हूँ, सॉरी ऐड करता हूँ, अपग्रेड क्या करना है, और इसको भी कर लेते हैं ठीक है। हमने दोनों को, अच्छा ये इधर आ गई, कैसा समस्या है रे, यहाँ पर तो मैंने अपने शेल्फ्स रखे हैं, अब मुझे यहाँ से इनको हटाना पड़ेगा। यार ऐसा ना करो यार, मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा भाई, इसमें सामान भी थोड़ा पड़ा है ना उसमें, अब उन सबको मुझे फिर इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। चलो भाई इन्होंने काम बढ़ा ही दिया यार, हमें ऑप्शन देना चाहिए कि हम कहाँ रखना चाहते हैं। ऐसे तो भाई इन्होंने उधर लगा दिया, मुझे पता नहीं था, लेकिन चलो मैं शेल्फ को यहाँ लगाता हूँ ठीक है, बराबर रखा मैंने इसको। और अब जो सामान है ना एक एक करके, एक सेकेंड ये वाला भी शेल्फ हटाना पड़ेगा, देखो लाइट भी हटानी पड़ेगी। चलो लाइट को तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, लेकिन शेल्फ तो हटा देंगे भाई, लेकिन यार वो जो वही है ना कि हमें सामान भी फिर शिफ्ट करना पड़ेगा, और सामान थोड़ा थोड़ी है यार, काफ़ी सारा सामान है, राइस के बैग हैं, उसके बाद एक सेकंड मैं इनको मूव क्यों नहीं कर पा रहा। नहीं भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें चिपक रखे हैं ये, यार ये ऐसा ना करो भाई, इसको हटाओ भाई यार, ऐसे तो फिर ये हमेशा के लिए ऐसे चिपके रहेंगे, ऐसे देखने में अच्छा थोड़ी लगेगा ये। देखो ये अपने जो चंकियोज है ये भी ऐसे चिपक रखे हैं भाई, ये कुछ नहीं हटने वाला मुझे लग रहा है। एनर्जी ड्रिंक वगैरह, कोला कैन कुन कुछ भी नहीं हट रहा भाई, ये तो दिक्कत हो गई। अब मुझे एक ही चीज़ कर सकता हूँ यार, वो है कि मैं गेम को रीस्टार्ट करूँ भाई, और वो भी स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी, क्योंकि अगर मैं सेव कर दूँगा तो भाई गेम तो फिर यहीं से स्टार्ट होगी ना। यार एक मिनट में दोबारा ट्राई करके देखो, नहीं हो रहा भाई ये, मुझे गेम को दोबारा से रीस्टार्ट करके ना वापस से ये सारा काम करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, मैं काम करता हूँ, गेम को क्विट कर देते हैं, सेव नहीं करेंगे, लोड कर देते हैं ना, लोड कर देते हैं ठीक है, लोड करेंगे तो स्टार्टिंग से गेम स्टार्ट हो जाएगी। भाई ये तो समस्या दे दी भाई इन्होंने, तो वो जो दोनों रैक्स थे ना मैंने वो साइड में कर दिए हैं। और अब एक काम करते हैं, फटाफट से वो जो अपग्रेड है ना ऐड क्लॉथ ये कर लेते हैं, मैं देख लूँ एक बार ठीक है, स्पेस सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है भाई, चलो थोड़ी स्पेस बच भी गई है, वहाँ पर एक रैक आ जाएगा छोटे वाला, बाकी जो दूसरे वाला है ना डिस्प्ले टू इसको भी हम कर लेते हैं। अब ठीक हो गया भाई, यार इसमें इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया ठीक है, कपड़े कुपड़े यहाँ पे, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे कपड़े हैं, पैंट वगैरह है ठीक है, सब कुछ इन्होंने ऐड कर दिया। मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पे स्पेस है क्या इतनी? वो ठीक है आ जाएगा भाई, चलो बढ़िया भाई। ये छोटे वाला रैक ना हम यहीं पर रख देते हैं, वहाँ पर हम कुछ और रख देंगे, और इसको थोड़ा सा रोटेट करके ना ऐसे कर देते हैं ठीक है। बीच में बस लाइट नहीं आ पाएगी, बट कोई नहीं, यहाँ पे थोड़े बहुत शूज़ पड़े हैं, इनको भी मैं उठा लेता हूँ ठीक है, इनको भी हम रख देते हैं। लेकिन यार इनका एक मुझे सीन समझ नहीं आता भाई, ये एक बॉक्स में 5 ये देते हैं शूज़ वगैरह या फिर ये जो भी हो चप्पल चुप्पल सी, लेकिन भाई फिर भाई जोड़ा कैसे बना भाई, धोखा एक पेयर होता है ना, तो फिर तो 5 बचे भाई, फिर एक क्या भाई, एक में चप्पल पहनेगा और एक में नहीं। मैं देखो आजकल तो आपने देखा होगा ये भी ट्रेंड चल रहा है कि भाई एक पैर में दूसरा शू और दूसरे पैर में दूसरे कलर का शू, भाई आने वाले समय में ऐसा ना हो जाए कि भाई एक पैर में चप्पल और दूसरे पैर में जूता, या फिर ऐसा ना हो जाए कि भाई कहीं एक पैर में जूता और दूसरे पैर में भाई खाली, कुछ भी हो सकता भाई, ट्रेंड है भाई, कुछ नहीं कह सकते। बाकी चलो अभी मैं फटाफट से इसमें केक वगैरह रख देता हूँ एक यहाँ पे, और शुक्र है भाई अपने केक के डब्बे खत्म हो गए, 5-6 केक के डब्बे हम ले आए थे, लेकिन आखिरकार बंदों ने खरीद लिया भाई, बड्डे बुड्ढे होगा लग रहा है भाई, ले गए होंगे काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में, 97% रेटिंग हो चुकी है, बट शॉप में थोड़ा बहुत सामान अभी कम पड़ा है, तो मुझे लेके आना पड़ेगा। एक काम करते हैं, वो ट्रक लेते हैं रेंट पे, ट्रक रेंट पे लेते हैं, फटाफट से काफ़ी सारा सामान लेके आते हैं, हमने रैक भी लेना है, फ्रिज भी लेना है, टेबल भी लेना है, तो वो सब अभी हम लेके आते हैं ठीक है। इसको मैंने खरीद लिया, नहीं खरीदा नहीं, रेंट पे लिया, खरीद लेते फिर तो कोई बात ही अलग होती। अब ठोका क्या किसी को मैंने भाई, धबसी आवाज आई एकदम से, कौन ठोका भाई? नहीं वो तो सही सलामत है, बाकी इसमें स्पेस देखे तो भाई बथेरी स्पेस है यार,
काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, और ऐसा मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर तीन तीन बॉक्स हम रख सकते हैं ऊपर ऊपर करके। वैसे हम दो ही लेवल तक रख सकते हैं, मुझे लग रहा है कि तीन तक रख सकते हैं, क्योंकि साइड साइड में जगह भी है ना उसके, मतलब वो लगा रखे हैं ये बैरियर से, तो मुझे लग रहा है कि तीन तीन बॉक्स आ जाएंगे। चलो कोई नहीं, वो तो हम ट्राई कर लेंगे। लेकिन भाई सेम है यार, ट्रक वाली फीलिंग आ तो रही है, ट्रक में बैठते हैं ना तो एक अलग सी फीलिंग आती है, वैसे सी फीलिंग आ रही है इसको चलाने में भी। ओ भाई थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ेगा। एक सेकंड, आगे एक और ट्रक बिक रहा है भाई, ये तो मुझे कंस्ट्रक्शन वाला ट्रक लग रहा है। आगे कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन हो रही है आगे? एक सेकंड, मैं ट्रक को ये रोकता हूँ। ये इसको तो मैं रेंट पे नहीं ले सकता ना, ये तो भाई उनका ही होगा ट्रक, उन बंदों का। एक काम करते हैं, आगे चल के देखते हैं भाई ये कंस्ट्रक्शन किस चीज़ की हो रही है, क्या बना रहे हैं वहाँ पे वो। भाई बंदे तो काफ़ी सारे लग रखे हैं, इसको ये आगे खट रखा है। क्या बोल रहा है, क्या दिखा क्या रहा है, ये उंगली क्या दिखा रहा है भाई? उंगली अंदर करें, तोड़ दूंगा उंगली में। अच्छा वो वहाँ से रास्ता, ठीक है ये रास्ता उन्होंने ओपन कर रखा है, अच्छा ठीक है। लेकिन बंद कर रहा है। हेलो भाई साहब, मैं क्या बना रहा भाई यहाँ पे, ये तो बोल नहीं रहा, ये घूम रहा है, और ये भी नहीं बोल रहा, ये मस्त अपना है काम में बिजी है। भाई तो पूरी रोड ही तोड़ दी इन्होंने, यहाँ पे क्या बना रहे हैं ये पता नहीं यार, ये तो इन्हीं को पता होगा। ये जब अगला अपडेट आएगा ना, ठीक है शायद से तब हमें उसमें पता लग जाए कि आखिरकार यहाँ पे क्या बनने वाला है। भाई सेम ये ना लगातार अपडेट देख के ना भाई गेम को और भी ज़्यादा एक्साइटेड बना रहे हैं, मज़ा आ रहा है भाई। लेकिन चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ वाला रास्ता ना यहाँ से चलते हैं अपने ट्रक को लेके। तो इसको मोड़ने में भी दिक्कत होती है ना, ट्रक काफ़ी हैवी होता है तो मोड़ने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा ध्यान से इसको चलाना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके चलते हैं, आगे से कहाँ मोड़ रखा है इन्होंने रास्ता, अच्छा ठीक है वो मोड़ रखा है रास्ता। कोई नहीं अभी आराम आराम से इसको लेके चलते हैं और सामान सामून लेके आते हैं आगे से। इन्होंने कहाँ से ज्वाइंट करा होगा आगे से, ठीक है आगे से वहाँ से कर रखा है भाई, काफ़ी लंबा रूट ले रखा है तो। चलो कोई बात नहीं, एक मिनट, यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे भाई मैं नीचे जाने वाला था, वहाँ से मुझे लगा नीचे से रास्ता है, मैंने आगे ध्यान ही नहीं दिया। चलो कोई नहीं, अभी यहाँ से ले चलते हैं नीचे, आराम से ठोक ही दिया भाई वो जेसीबी के, वो आगे वाला होता है ना उसमें ठोक दिया मैंने। लेकिन चला कोई नहीं, अभी यहाँ से निकलते हैं, ठीक है सबसे पहले चलते हैं जैबर की शॉप पे नहीं, सबसे पहले हम चलेंगे इक्विपमेंट की शॉप पे और वहाँ से चार पांच हमने इक्विपमेंट्स लेने हैं। फिर जब हम वापस आएंगे ना तब हम जैबर की शॉप से सामान वगैरह ले लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी हम ले ही लेंगे क्योंकि अपनी रेटिंग जा रखी है 97%, तो हम आराम से इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है वो भी खरीद सकते हैं, साथ ही साथ हाउसवेयर का भी हम सामान ले लेंगे। ठीक है जितना सामान आप आएगा ना वो सारा हम खरीद लेंगे। फिलहाल अब ये काम करते हैं, फटाफट चलते हैं इक्विपमेंट शॉप पे, हम पहुंच चुके हैं अपने। रुक जा, इसको मैं यहीं पे रुक देता हूँ, ठीक है चलो अभी चलते हैं इक्विपमेंट स्टोर पे। और सबसे पहले एक टेबल तो मुझे लेना, छोटे वाला टेबल लेंगे, ज़्यादा बड़े वाला टेबल लेना नहीं है भाई। और एक ना वेजिटेबल स्टैंड भी मैं ले लेता हूँ क्योंकि अब स्पेस हमने बढ़ा ली है, ठीक है तो हम काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं और वेजिटेबल रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये छोटे वाला ये वाला लेते हैं, ठीक है $500 का, उसके बाद $500 का टेबल एट, एक में बड़े वाला टेबल ले लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स रखने के लिए, 1100 का ये हो गया। और फ्रिज लेते हैं, ये वाला फ्रिज तो अपने पास पड़ा है, एक दोनों का प्राइस वैसे सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाएगा ना, तो ये वाला ले लेते हैं एक। और उसके बाद एक मीट वाला भी चाहिए था, ठीक है चलो पाँच हमने जो अपने इक्विपमेंट्स हैं ठीक है वो ले लिए। और अब यहाँ से निकलते, कितने पैसे बचे अपने पास अभी, 27786। यार रैक मुझे देखना था कि शूज़ के लिए कोई अलग से रैक है या फिर यही वाला रैक है, वैसे कोई दूसरा रैक तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, आई थिंक वही वाला होगा। चलो कोई नहीं, हम उसी पर सामान वगैरह रखेंगे। फिलहाल अभी अपने ट्रक को यहाँ से लेके निकलते हैं, ठीक है यहाँ से लेके निकलते हैं। अभी हम चलते हैं हाउसवेयर, जो प्रोडक्ट्स हैं ना, जो क्लॉथ्स वगैरह हैं, शूज़ है वो भी हम खरीद लेते हैं, ठीक है उसका भी रैक अपने पास पड़ा ही है, मतलब वही जो पुराने वाला छोटे वाला रैक है उसी पर हम सामान रखेंगे। एक सेकेंड, ऐसे बैक करके ले जाऊँगा ना भाई, अगला दिन स्टार्ट हो जाएगा, इसको ना घुमा ही लेते हैं, ऐसे काफ़ी स्लो जा रही है, यहाँ से इसको घुमा के ले जाते हैं। ओ भाई फिर से मैंने ठोका भाई, फिर ठुक रही है या फिर ऐसी आवाज़ आ रही है इसमें से भाई, क्या पता डैमेज डूमेज हो जाएगा ना, कुछ स्क्रैच वगैरह आ गया तो वो ना भाई पिटाई कर देगा वो बंदा अपनी, रेंट पे है क्योंकि ये अपना तो है नहीं। चलो इसको यहीं पे रोक देते हैं, रुक जा, ठीक है। और अभी ये जो अपने पास ये जितने भी टेबल वगैरह पड़े हैं इनको मैं यहाँ पर नीचे रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद चल के सबसे पहले हम चलते हैं क्लॉथ शॉप में, यहाँ पर ये ले लेते हैं हम एक बैग, उसके बाद एक शू, ये वाला शू ठीक है, जिन जिन पे गुड प्राइस चल रहा है ना मैं सबका खरीद लेता हूँ, एक ये और एक ये भी हो जाएगा। चलो पांच डब्बे हो गए अपने क्लॉथ्स के, शूज़ वगैरह जो भी हैं इसके ना हम ऊपर रख देते हैं। मैं एक बार लगा के देखो, तीन डब्बे हम रख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है आ तो जाएंगे, बाकी एक बार ना हम चला के भी देख लेंगे कि चलाने पर कहीं भाई ये पीछे रह जाए। अब नहीं भाई, मुंडी तो 360 डिग्री घूम जाती है तो आराम से लेके जा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया।
बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, तीन तीन बॉक्स हम करके ले जा सकते हैं, तो इसका मतलब हम सामान काफ़ी ज़्यादा ले जा सकते हैं। तो जैबर की शॉप पर से भी थोड़ा बहुत सामान हम ले लेंगे, बाकी इसमें से भी हम थोड़ा ले लेते हैं हाउसवेयर का सामान, जिन जिन पे गुड प्राइस चल रहा है, इस जिन जिन पे गुड प्राइस का, इसका मैं सारे ही खरीद लेता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट बेशक थोड़ा सा कम होगा लेकिन प्रॉफिट तो होगा ना अपना। इनको भी मैं ऐसे कर, तीन तो आ जाने चाहिए यार, तीन वहाँ भी तो मैंने रखे हैं लेकिन नहीं आ रहे। चलो कोई नहीं, वैसे भी काफ़ी सारी स्पेस पड़ी है तो हम आराम से ऐसे करके रख देते हैं। यार आ जाने चाहिए भाई ऐसे तीन, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे साइड में रख देता हूँ मैं, और इसके ऊपर एक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने कहाँ से ख़रीदना है, एक यहाँ से पैन, फिर उसके बाद स्ट्रेनर, उसके बाद प्लास्टिक कप, स्टील कप, कुकिंग पॉट टू। ठीक है, पाँच छः बॉक्स अभी और हमने ख़रीदने, तो वो भी चल के खरीद, ऊपर चढ़ जा भाई। ठीक है, वो भी चले के हम फटाफट से ख़रीद लेते हैं। एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे भाई, इनको ना परमानेंट कर देना चाहिए यार ये ट्रक। ठीक है, परमानेंट हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, फिर हम एक बार में सामान काफ़ी ज़्यादा ले आएंगे। एक ये, एक ये, ठीक है, एक हमारे पास और प्रोडक्ट बचा है तो उसको भी ख़रीदते हैं। और आज हम ना, हमने वो जो ऑनलाइन डिलीवरी का जो वो है ना ऐप, तो उसको भी आज हमने करना है, क्योंकि भाई मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, सामान ख़रीदने में। तो जो छोटी मोटी चीज़ें होगी ना, जो दो तीन चार पाँच बॉक्स ख़रीदने होंगे, तो उससे उसके लिए हम डिलीवरी ऐप को यूज़ करेंगे। बाकी तो हम, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बल्क में ख़रीदना होगा फिर तो हम अपने पिकअप वगैरह कोई लेके आएंगे, क्योंकि बल्क में तो हम इतना सारा सामान लाएंगे तो भाई उसको तो अगर मैं एक एक करके जाऊँगा ना बार बार, तो फिर दिक्कत हो सकती है उसमें। ठीक है, इसलिए हम वैसे ही कर लेंगे फिलहाल। अभी मैं एक काम करता हूँ, अभी अपने ट्रक को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, और यहाँ पे है जैबर शॉप। तो जिन जिन पे कंप्लेंट्स आई है, सबसे पहले वो प्रोडक्ट्स हम ख़रीदते हैं। एक बार देख लेता हूँ मैं, रुको, इसको मैं वापस से ना यहीं पे रख देता हूँ, इनको बाहर रख देते हैं भाई। ठीक है, और अब चल के देखते हैं एक बार मैं कंप्लेंट्स वाला जो ऐप है, पहले उसको ओपन कर लूँ, किन किन पे कंप्लेंट्स है। नो फैट मिल्क, भाई तो काफ़ी सारे कंप्लेंट्स है यार। टोमेटो, ये तो वहाँ से लाना पड़ेगा। क्लॉथ सॉफ्टनर, तो नो फैट मिल्क ये रहा। ठीक है, उसके बाद नो कौन सा था, क्लॉथ सॉफ्टनर कौन सा यार, ये तो शैम्पू लेदर केयर है, क्लॉथ सॉफ्टनर या फिर कुछ और, नहीं क्लॉथ सॉफ्टनर ही है, और डाइपर है और सोप है ये, अच्छा ये रहा। ठीक है, उसके बाद हमने ख़रीदना है, एग्स भी चाहिए हमें। ठीक है, और क्या क्या चाहिए हमें, डाइपर था ना, डाइपर और सोप, प्रेजल सोडा कैन, रुको डाइपर तो एक सेकेंड, सोप ये रहा और ये रहा डाइपर। चलो पांच बॉक्स ये हो गए, और अभी तो भाई लगभग पाँच दस कंप्लेंट्स और हैं, तो उनका भी जो सामान है हमें वो ख़रीदना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ से अभी ऊपर चढ़ जाओ, रोड नीचे है क्या यहाँ पे, एक सेकंड, ढलान वगैरह, हाँ ढलान तो है, देखो वहाँ पे थोड़ी ऊंचाई है ना, इसलिए मैं चढ़ नहीं पा रही, इतनी हाइट अपनी पहुँच नहीं रही। बट एक काम करते हैं, बॉक्स नीचे रखते हैं, अब इसके ऊपर से जंप करके हम आराम से चलते हैं ऊपर, और फटाफट से जो सामान हमने बाय करा है, एक सेकंड इसको मैं पीछे रख देता हूँ, कोई नहीं, स्पेस काफ़ी अभी भी बची है। इस बॉक्स को नीचे रहने देते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत सामान हमने और ख़रीदना है, तो बार बार हम ऊपर नीचे तो कर नहीं सकते, इसलिए मैं दोबारा से कंप्लेंट्स देखता हूँ। टॉयलेट क्लीनर, क्लीनर, सोडा कैन, प्रीजल, रुको, ट्यूना भी है, और उसके बाद कौन सा ट्रेंड था, सोडा कैन, ठीक है ये हो गया, और उसके बाद हो गया, एक सेकंड, बॉडी ऑयल था या फिर क्या था ये, नहीं ये है एयर टॉयलेट क्लीनर। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा एक पीनट बटर भी है, ठीक है लास्ट में ये भी था, और क्या ख़रीदना है हमें, एक सेकंड, वो कहाँ मिलेगा हमें, क्या कहते हैं उसको, क्या नाम था उसका, चीज़ कहाँ पे है, क्रीम चीज़ कौन सी है भाई, चीज़ तो चीज़ माइल्ड है ना, चीज़ इसमें होगा शायद से, ये वीट योगर्ट ये रहा, क्रीम चीज़, ठीक है फ्रिज वाला आइटम था। चलो अभी जो जो कंप्लेंट्स है ना, मैं फटाफट से उनको भी ख़रीद लेता हूँ, दो चार ही बची है, और फिर उसके बाद अपना जो ट्रक है उसको ऐसे लेके निकलते हैं अपनी शॉप पे, और सारा सामान हम फिर सेट करके, और जो अपनी शॉप में थोड़ा बहुत हमने काम करना है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी अपने ट्रक को मैं लेके आ चुका हूँ अपनी शॉप में, और भाई काफ़ी सारा सामान मैंने बाय कर रखा है, इसको ना अंदर ही लेके चलते हैं। बस थोड़ा सा ना इसको मुझे साइड में लगाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो सकता है कस्टमर्स का ना, तो इसलिए थोड़ा सा ना इसको मैं साइड में इधर ही करके लगा देता हूँ। और अपने बंदों को अभी भूख प्यास भी लग चुकी है, तो सबसे पहले चल के ना इसकी भूख प्यास मिटाते हैं, और पहले अपने जो इक्विपमेंट्स हैं इनको रखेंगे, फिर उसके बाद जो सामान हमने ख़रीदा है फिर उनको सेट करके रखेंगे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। मैं पानी यहाँ से पी लेता हूँ, यहाँ से हम खा लेते हैं, कुकीज़ खा लेते हैं अपने पास पड़ी है। और इस फ्रिज को कहाँ रखें, इन यहीं पर रखते हैं ना, देखो यहाँ पर स्पेस पड़ी है ना, तो इसको साइड में इसको लगा के रख देते हैं। मीट मैंने, मीट वाला जो ये है ना फ्रिज, इसलिए मैंने बाय करा, क्योंकि यार मीट रखने में ना काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी ज़्यादा बॉक्स हो जाता है ना, तो एक फ्रिज में वो सारा आ नहीं पाता, इसलिए मैंने सोचा एक और बाय कर लेते हैं। इसको ना इसके साथ में ना हम चिपका के रख देते हैं, ताकि थोड़ी सी स्पेस और बन जाए, क्योंकि हमने दो फ्रिज अभी और रखने हैं। भाई दो आ जाएंगे क्या इसमें, लग तो नहीं रहा मुझे, क्योंकि एक तो अपने पास बड़े वाला फ्रिज है, नहीं एक ही बचा ना अपने पास, ठीक है अपने पास, रुको, हाँ ठीक है एक ही फ्रिज है, आ जाएगा आराम से, मुझे लग तो ऐसा कि आराम से आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद एक काम करते हैं, इसको नहीं, टेबल नहीं, टेबल तो आएगा अपना यहाँ पर,
ठीक है, ये इक्विपमेंट वाला टेबल यहाँ पर रख देते हैं हम। इक्विपमेंट वाला टेबल क्या होता है भाई, ये मतलब ये टेबल जिस पे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स रखने हैं, इसको मैं रख देता हूँ इसके बिल्कुल साथ में। और उसके बाद ये वाला टेबल हम रख देते हैं इसके यहीं पर रख देता हूँ, ठीक है अभी के लिए मैं फिलहाल इसको मैं थोड़ा सा सीधा करके यहाँ पर रख दे, भाई उसको तो अंदर ही घुस गया ये थोड़ा सा पीछे, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ये हो गया परफेक्ट। और अब एक काम करा जाए को यार, अपना ये वेजिटेबल स्टैंड पहले मैं रखता हूँ इसको ना, वेट इसको साइड में करके पहले ये वेजिटेबल्स ना मैं इनके ऊपर रखता हूँ, उस वाले टेबल को हम बीच में रखेंगे, साइड साइड में ये वाला जो दूसरे टेबल है वो आएंगे, जो स्टैंड है वो आएंगे। इसको हम रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है देखते हैं कि इतने स्पेस में आ जाएगा ना ये। भाई लग रहा तो मैंने बिल्कुल परफेक्ट ही रखा, बिल्कुल भाई सही रखा है हमने। इसको रख देते हैं थोड़ा सा साइड में करके यहाँ पे, बिल्कुल परफेक्ट हो गए, ठीक है अब हम वेजिटेबल्स भी काफ़ी सारी रख सकते हैं, अब कोई स्पेस की दिक्कत नहीं है। ये फ्रिज आ तो जाएगा लेकिन चिपक जाएगा उसके अंदर, मुझे काम करना पड़ेगा इसको, या फिर मैं उधर मूव कर सकता हूँ। रुको एक मिनट, इसको ना मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा हम सामान रख देते हैं, इसको ना यहाँ पे लगाते हैं बेकरी स्टैंड को, ये आ जाएगा अपना इस साइड में, ठीक है ये आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद ये वाला जो केक वाला स्टैंड है ना, इसको भी उठा के इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, तो ताकि वो वाला जो फ्रिज है वो हम उधर रख सकें। ये आ जाएगा अपना यहाँ पे सीधा, एक सेकेंड थोड़ा सा टेढ़ा है ये, थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है ये, सीधा रखना मैंने बिल्कुल। और अब जो केक है ना इसको मैं इसमें रख देता हूँ, यहाँ पे ये आ गया दूसरे वाला केक, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, आने जाने का रास्ता तो ठीक है, हम आराम से आ जा सकते हैं। और अब इस वाले फ्रिज को ना मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है इसको हम उठा के रख देते हैं यहाँ पे साइड में यार, लेकिन बेकार लग रहा देखने में है ना। थोड़ा सा अगर मैं और थोड़ा सा ना कर सकूँ एडजस्ट, तो मैं शायद से वो वाला फ्रिज भी ना मैं यहीं पर रख सकता हूँ इसी रो में, मैं देखता हूँ। रुको अभी मैं ना थोड़ा सेट वगैरह करके इनको ना बढ़िया से सेट करके देखता हूँ मैं कि आ जाएगा या फिर नहीं वाला फ्रिज। भाई आखिरकार आ ही गया, बस इसको ना थोड़ा सा मुझे साइड में करना है। चलो थोड़ी बहुत स्पेस मैंने भाई बना ही दी अच्छे से, इनको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और इसको ना थोड़ा सा साइड में कर देता, नहीं तो बिल्कुल उसमें चिपक रखा था वो, देखो ऐसे ना यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल इसके साथ में, देखो अब आ गया ना। अब इसको भी थोड़ा सा उठा के रख देते हैं यहाँ पे साइड में, ठीक है बढ़िया से जो अपने फ्रिज है वो आ चुके हैं, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, सबसे पहले भाई अपना वर्कर चला गया, अब रात को जा, भाई मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार, तो रात को जाता हूँ कि फटाफट निकलते हैं अपने घर पर चलते हैं, शॉप कह रहा हूँ मैं, शॉप पर तो अभी हम थे, भाई मैंने ध्यान ही नहीं दिया टाइम का, मैं फटाफट जाके पहले सोता हूँ। और यार मैंने ये गेम रीसेट करी थी ना, तो मेरा बेड यहीं पे पड़ा है, चलो कोई नहीं इसको बाद में मैं सेट कर दूंगा। तो अभी अगला दिन स्टार्ट हो चुका है, फटाफट चलते हैं, कैब करते हैं, अपनी शॉप पे चलते हैं। और एक सेकंड भाई, वो ट्रक तो ले गया होगा वो, भाई ट्रक ले गए लेकिन शुक्र है भाई सामान छोड़ गया हमारा। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो ट्रक भी ले जाएगा अपना सामान भी साथ में ना ले जाएगा, क्योंकि सामान को हमने ट्रक में रखा था ना, नीचे तो मैंने उतारा नहीं था उसको, लेकिन भाई ईमानदार था वो, ठीक है वो सामान हमारा दे के गया। इसको मैं काम करता हूँ, अब थोड़ा सा टाइम लगा के मैं फटाफट से जो सामान है ना इसको सेट करते हैं, वो तो शूज़ वाला रहेगा ना यहाँ पर रखते हैं इसको, ये प्रीजल है ना तो ओके। एक सामान भाई अपने आंखों के सामने बिकाए यार, मैं सोच रहा ना वो एनिमेशन इनको ऐड कर देनी चाहिए, मतलब बंदा आए सामान खरीदे तो वो देखने में थोड़ा अच्छा सा लगेगा, लेकिन ऐसा तो भाई देखो बंदा आता है कैश काउंटर पे भाई, वहीं पे पता नहीं क्या भाई सामान लेके अपने आप ही चल जाता है, गायब हो जाता है। लेकिन बस ये होना चाहिए कि थोड़ा एनिमेशन दे देना तो थोड़ा सा और देखने में सही लगेगा, फिर अपनी शॉप में ना और भी ज़्यादा रौनक सी रहेगी, मतलब बंदे आ जाएंगे ना तो थोड़ा रौनक सी रहेगी। लेकिन चलो देखते हैं कि ऐड करते हैं या फिर नहीं, लेकिन मैं सामान जरूर ऐड कर देता हूँ अपने शेल्फ्स में फटाफट से एक यहाँ पे। और अब तो स्पीड बढ़ चुकी है तुम्हारे भाई की, अब देखो धड़ाधड़ भाई पता भी नहीं चला कि 5 बॉक्स हमने लगा भी दिए। इनको मैं काम करता हूँ यहाँ पे लगाते हैं साइड में, जितना भी क्लीनिंग का सामान वगैरह है ना वो सारा हम इस साइड लगाएंगे। ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है 5 बॉक्स तो हमने लगा दिए, और अभी कम से कम 15-20 बॉक्स अभी और पड़े हैं, ये देखो काफ़ी सारे बॉक्स है भाई, 15-20 से भी ज़्यादा ही होंगे शायद से। तो कोई नहीं अभी फटाफट से इनको सेट करके रखते हैं, ठीक है उसके बाद वो जो अपग्रेड है ना डिलीवरी शॉप वाला, तो हम उसको भी कर लेते हैं, देखते हैं कि उसमें कितने पैसे हमने पे करने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो सामान है मैं फटाफट से अभी सेट करके रख देता हूँ। और इसमें सारा हाउसवेयर का सामान पड़ा, तो हाउसवेयर का सामान तो हम इस वाले टेबल पर रखेंगे। यार ये टेबल थोड़ा छोटा नहीं हो गया, मतलब मुझे इससे बड़ा टेबल यार, लेकिन ऐसा इसमें इस टाइप में ना कोई बड़ा टेबल था ही नहीं, इसका मुझे ना एक और पीस लाना चाहिए था, क्योंकि इतने में तो भाई सारा हाउसवेयर का सामान आ नहीं पाएगा। हमने क्योंकि सारा सामान खरीदा है तो सामान काफ़ी ज़्यादा, नीचे स्पेस है नहीं उसके, तो ये चलो देख लेते हैं जितना सामान आ पाता है फिलहाल तो मैं रख देता हूँ, नहीं तो मैं दूसरा ना कोई बड़े वाला रैक ही ले लेंगे, जरूरी थोड़ी कि हमने ये वाला टेबल खरीदना है, कोई दूसरा रैक वगैरह ले लेंगे बड़ा सा। मैंने एक देखा तो यार रैक वो, तो मैं वही सोच रहा हूँ वो ले लेंगे हम। यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसको हटा के मैं आगे रख देता हूँ। और भाई वो जो अपने पास वो पड़े हैं ना यार, वो जो टीपॉट पड़े हैं भाई यार, वो बिकी नहीं रहे भाई यार। अब देखो उनके लिए ना मैंने अलग से शेल्फ रखा है, आपने देखा होगा छोटे वाले शेल्फ,
भाई, लेकिन वो सामान ही नहीं बिक रहा भाई, पता नहीं क्या सीन हो रखा है उसका। उसको मैं ना उठा के भाई कहीं और ही रखूँगा यार। भाई पता नहीं क्या सीन हो रहा है उसका, अब तक तो बिक जाना चाहिए यार वो, लेकिन बिक ही नहीं रहा। मैं इस वाले टेबल पे उठा के रख दूँ क्या उसको? रुको यहाँ पे काम करता हूँ मैं, एक कप बचा ना, इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस और बची है, तो थोड़ी सी स्पेस में यार ज़्यादा सामान तो आ नहीं पाएगा। एक काम करता हूँ, इसमें क्या पड़े हैं, ठीक है, इसमें भी टी पॉट, प्लेट, टावल्स वगैरह, भाई सामान तो काफ़ी सारा हाउस वेयर का। लेकिन ये वेस्ट वगैरह मैं रख के देखता हूँ, क्या पता ये अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं चल के ना एक और जो टेबल है ठीक है वो लेके आता हूँ। एक काम करते हैं, वेस्ट यार ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। नहीं, एक आ जाएगा, ठीक है एक आ जाएगा। आई थिंक एक और आ सकता है क्या इसमें, या फिर कुछ छोटी चीज़ नहीं पड़ी इसमें? टावल तो नहीं आ पाएंगे, कुकिंग पॉट आ सकता है, ठीक है ये आ जाएगा, छोटा सा है ना तो ये आराम से आ जाएगा। बाकी अभी चलो, ये तो पूरा टेबल भर चुका है, कुछ ज़्यादा भर गया, ये नहीं बिकने वाले यार। पाँच इस पर, पाँच ऊपर, दस के दस पड़े हैं, दो बॉक्स के दो बॉक्स पड़े हैं, लेकिन सामान नहीं बिक रहा भाई, सामान तो बिकना नहीं है इसने। मैं एक काम करूँ, मैं अभी चलता हूँ ना, सबसे पहले एक और जो दूसरे वाला वो है ना, क्या कहते हैं, रैक है, मैं उसको लेके आता हूँ। बस ये जो अपने शेल्फ्स का सामान है ना, ठीक है इनको मैं सेट करता हूँ, उसके बाद निकलते हैं। बस अभी पाँच छः डब्बे और बचे हैं, लेकिन फटाफट इन सभी को सेट करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। भाई इसमें भी सारा ये वाला सामान है हाउसवेयर का, तो ये तो सारा अभी हम यहीं पर रख देते हैं, ठीक है अभी हम फ्लोर पर रख देते हैं। इसमें पड़ा है अपना, तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। इसमें अपना ये पड़ा ना बैग, तो बैग तो इस वाले रैक में आ जाएगा, यहाँ पर तो स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे छोटे छोटे से तो हैं वैसे भी, ऐसे दो तीन यहाँ पे पीछे भी रख देता ना थोड़ी स्पेस बना के, एक यहाँ पे पांच, ठीक है पांच बैग ये हो गए। और उसके बाद चल के अभी जितने भी बॉक्स पड़े हैं फटाफट से इनको भी हम सेट करके रखते हैं। अभी शूज़ वगैरह पड़े होंगे इनमें, प्लेट, स्पाइस कंटेनर, देखो इसमें शूज़ ही पड़े हैं, तो फटाफट से इन शूज़ वगैरह को रख देते हैं। प्लेट को तो हम वहाँ रख देते हैं, प्लेट वाले को तो हम यहाँ पर रख देते हैं, और जो शूज़ हैं ठीक है हम उनको रख देंगे वहाँ पर। जो अपना ये वाला रैक है ना, ये वाला शेल्फ है, हम इसमें रख देते हैं फटाफट से। पहले मैं इनको निकाल कर रखता हूँ। भाई शूज़ देखते हैं कैसे शूज़ हैं। ओ भाई साहब ये तो मस्त है भाई, ये तो काफ़ी महंगे लग रहे हैं यार, ये कौन सी कंपनी के हैं ये? चलो जौन सी मर्जी को, अपने को तो बेचने से काम है, हम फटाफट से इनको सेट कर देते हैं। तो सारा सामान सेट करके मैं अपनी पिकअप को लेके आ चुका हूँ इक्विपमेंट की स्टोर पे, और यहाँ से हमने एक वो वाला जो रैक है ना जो मैं कह रहा था बड़े वाला, वो हमने बाय करना है। पहले मैं सोच रहा था कि भाई मैं अपना ट्रक लेके आता हूँ, लेकिन फिर सोचा यार कि हमने एक इक्विपमेंट लेना है, उसके बाद थोड़ा बहुत जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है वो लेना है, तो ट्रक लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें $100 नहीं तो पे करने पड़ेंगे। यार वो वाला है कहाँ पर वो रैक? मैंने देखा तो था, ये नहीं, ये वाला भी नहीं है, ये नहीं यार, ये तो छोटे वाले हो गए ना, वो बड़े वाला का, अच्छा वो पीछे पड़ा, ठीक है वो पड़ा यार वो, ठीक है एक इसमें छोटे वाला भी आता है। देखो टेबल तो, टेबल तो नहीं खरीदने, 2000 के आए। चलो कोई नहीं, बाय कर लेते हैं फिलहाल, अपने पास पैसे तो पड़े ही हैं, एक ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेने। और अब मैं एक काम करता हूँ, और कुछ ये लाइट्स ले लेते हैं ना, ये थोड़ी लाइट्स ना डेकोरेशन के लिए ले लेते हैं, और एक और ले लेते हैं। चलो चार लाइट्स होगी, और कुछ तो नहीं लेना, नहीं और कुछ भी नहीं लेना वैसे भी, अब इतनी स्पेस तो है नहीं, सारी स्पेस तो भर चुकी है। और कार के ऊपर अगर मैं ऐसे रखता हूँ, नहीं रहने दो भाई, क्या पता भाई मैं रखूँ और वो कार फिर मतलब उसको ले के ना जा पाए। ठीक है अब एक काम करता हूँ, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, एयर कंडीशनर एक काम करता हूँ मैं ले लेता हूँ, इस पर गुड प्राइस चल रहा है वैसे, एक पीस तो मेरे पास पड़ा है इसका, लेकिन कोई नहीं। फ़ोन केस पे भी ठीक चल रहा है, 38 पे 50, 44 पे 50 और 49 पे 50, बाकी 50 पे 50 नहीं, ये चलो ले ही लेते हैं, कोई चक्कर नहीं। ठीक है वैसे भी उस पर इतना ज़्यादा अपने को प्रॉफिट होगा नहीं, फ़ोन केसेस पे इतना, ये छोटे मोटी जो चीज़ें ना सस्ती वाली उन पे इतना आपको पता प्रॉफिट होता है नहीं, जो महंगी वाली चीज़ें ना उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार हम जो गेमिंग के प्रोडक्ट्स हैं ना उनको भी लेके आए, वो तो काफ़ी ज़्यादा महंगे भाई, तो उनसे तो हमें और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो अगली बार हम उनको लेके आएंगे। क्लॉक में ले लेता हूँ, ठीक है इसमें गुड प्राइस चल रहा है, और एक सेकंड ब्लेंडर पे, ड्रायर पे भी चल रहा है ना, और फ़ोन 3, उसके बाद ये वाला फ़ोन भी खरीद लेते हैं हम, और ये वाला फ़ोन भी खरीद लेते हैं। तीनों फ़ोन पे गुड प्राइस चल रहा था, तो फ़ोन भी अपने पास काफ़ी सारे हो चुके हैं। इनको एक काम करते हैं, यहाँ पे इसका बॉक्स बढ़ाना, ये तो पीछे हम रख देंगे यहाँ पे, और जो छोटे वाले, और एक सेकंड इसके ऊपर आ जाएगा ना, हाँ ठीक है आ जाएगा ये आराम से, और ये वाले छोटे बॉक्सेस को हम आराम से ऐसे नीचे रख देंगे। ठीक है और उसके बाद एक काम करते हैं, अपने जितने भी ये आइटम्स हैं ना फटाफट से अपनी इन्वेंट्री में रखते हैं, फटाफट चलते हैं अपनी शॉप पर। इसको दोबारा प्यास लगी भाई, एक सेकंड वो बड़े वाला बॉक्स आ जाएगा ना, क्योंकि भाई दो ही लेवल तक है ना, तो हमने रख तो दिया उसको। ठीक है चलो अभी फटाफट चलते हैं इन सभी को सामान को लेके, और इनको फटाफट से सेट करते हैं। ठीक है उसके बाद अब हमें लेके आने वेजिटेबल्स लेके आने, और जो मीट है ना हमें सिर्फ वो लेके आना, तो सिर्फ हमें दो चीज़ें लेके आनी है, उसके बाद जो अपना काम है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो अभी फटाफट से जो कच्चा रास्ता है यहाँ से अपनी पिकअप को ले जाते हैं,
सीधा अपने शॉप की तरफ। तो जितना भी सामान था मैंने उन सारा सेट करके रख दिया है शेल्फ पे, और ये वाला जो रैक है ना मैं इसको अंदर ही रख देता हूँ। इनको भी थोड़ा सेट करके रख देता है भाई, ये बेशक अपना स्टोर रूम है लेकिन थोड़ा सा ये भी अच्छा सा दिखना चाहिए ना। रुको, इस वाले रैक को मैं यहाँ पर रखता हूँ शेल्फ को, और ये वाला जो शेल्फ है ना इसको हम रखते हैं इस साइड में, इसको यहाँ पर रखते हैं। इसको उठा के इसको भी थोड़ा सा साइड में, एक सेकेंड थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, इस तो इसके ऊपर ही आ गए, इसको ना हम यहाँ रख देते हैं। और इसके ये कैबेज वगैरह तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं ना भाई, सॉरी कॉलीफ्लावर, इसको तो हम बेच देते हैं क्योंकि अपने पास वेजिटेबल्स तो सारी खत्म है। अभी चल के मैं वेजिटेबल्स लेके आनी है, लेकिन भाई उसके लिए ना मैं वो जो डिलीवरी वाला ऐप है ना वो लेके आने वाला हूँ, मतलब उसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। और देखो ये सामान काफ़ी मस्त लग रहा है, काफ़ी सारा पूरा मतलब पूरा ही वो जो रैक है ना वो भर चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान तो मैं लाया हूँ लेकिन उसको मैं सेट करना भूल गया। चलो कोई नहीं, बस ये थोड़े बहुत ही बॉक्सेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के तो ज़्यादा है नहीं यार, 5-7 ही हैं, तो इनको तो फटाफट से हम रख देंगे। ठीक है, उसके बाद ना वो जो डिलीवरी वाला ऐप है ठीक है उसको हम करते हैं। ठीक है, सारा जो सामान है वो हम अपनी शॉप में मंगा लेंगे भाई, अब हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने काफ़ी ज़्यादा इधर उधर जा चुके हैं तो इधर उधर आज इतना जाएंगे नहीं, मैं फटाफट से वही करूँगा। अपने पास ये पड़े हैं भाई, बिके नहीं अभी तक ये, देखो ड्रायर अभी 3-4 उधर पड़े भी हैं। यार ये ऊपर दिख रहे हैं ना, रुको इसको मैं ऊपर ही रख देता हूँ यहाँ पे ना, ऐसे फिर नीचे रखेंगे ना फिर वो ऊपर ऊपर दिखेगा, फिर बढ़िया सा लगेगा नहीं वो। और एसी तो हम नीचे रखेंगे यहाँ पे ना, इसको ऐसे लिटा के यहाँ पे ऐसे रख देंगे, आराम से आ जाएंगे एक यहाँ पे। उसके बाद ये दो बस बिक जाए यार, एसी काफ़ी कम बिक रहे हैं, मतलब काफ़ी स्लो बिक रहे हैं यार, जल्दी जल्दी बिके तो प्रॉफिट भी अपना जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, फिर तो अपने पास और भी ज़्यादा पैसा बहुत ही जल्दी इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों इतने स्लो बिक रहे हैं। इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, क्लॉक्स को फटाफट से रखते हैं, 2-4 बॉक्स और पड़े अपनी पिकअप में, उनको भी लेके आते हैं, उनको भी रख देते हैं। ये हो गया यहाँ पर, ठीक है क्लॉक्स होगी, बाकी इसमें फ़ोन पड़े हैं ना तो फ़ोन तो हम यहाँ रखेंगे ये फ़ोन स्टैंड पे। भाई सारे फ़ोन बिक गए इसके ऊपर के, चलो इनके ऊपर मैं रख देता हूँ ऐसा कर। फ़ोन स्टैंड यार मैं दोबारा भूल गया, फ़ोन स्टैंड मुझे और लेके आने थे, अपने पास वो 6 ही है ना, तो लगभग मुझे कम से कम 10-12 और लेके आने थे। चलो अभी अगली बार हम चलेंगे तब हम लेके आ जाएंगे, फिलहाल तो मैं यहीं पर रख देता हूँ जहाँ पे थोड़े बहुत फ़ोन्स पड़े हैं ना, इनको हम यहीं पे निकाल के रख देते हैं, बाकी बाद में हम लेके आ जाएंगे। ठीक है, 2-4 बॉक्स और पड़े हैं, फटाफट से इनको भी सेट करते हैं, और वो जो एक दो काम मैं कह रहा हूँ ना तो उनको भी फटाफट कंप्लीट करते हैं। ओके, सारा सामान मैंने सेट करके रख दिया, और अब हम एक काम करते हैं, वो जो ऐप बचे हैं ना अपने, कहाँ गया ऐप स्टोर, इसने ये रहा ऐप स्टोर, तो एक और बचा है, ये कौन सा है, व्हीकल ऐप ऑफर कितने का है, 250 का, तो मैंने ये भी कर लिया, इससे होगा गया व्हीकल्स का, ये रहा ओल्ड कार फिल गया, अच्छा ये सही है भाई, मैं अपने घर पर भी टो करवा सकता हूँ। ठीक है, ये बढ़िया भाई, ओल्ड कार अपने पास पिकअप है, अच्छा तीसरी तो कार अपने पास आई नहीं, उसको भी हम खरीद लेंगे फिलहाल। अब इसको बंद करते हैं, ठीक है अभी इसको बंद करते हैं, और वो जो दूसरे वाला कहाँ गया ऐप ये रहा, कितने का भाई, 5,000 का ये, चलो कोई नहीं कर, क्या हो गया, यू डोंट हैव इनफ मनी, अच्छा ठीक है बैंक वो कार्ड में थोड़े से कम पड़ेगा ना, कोई नहीं मैं कार्ड में एक काम करता हूँ 2,000 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, वैसे बैंक में तो 8,000 पड़े हैं अभी भी, अब इसको कर लेते हैं, और अब इसको चेक करते हैं कहाँ गया ये डिलीवरी ये रहा, और ऑर्डर न्यू डिलीवरी करते हैं। ठीक है, फटाफट से हम काफ़ी सारे सामान सेलेक्ट करके, ये क्या है गोइंग टू वेयर, अभी ये कहाँ गया मैं, वो भाई सभी तो मैं वेयर हाउस में आ गया, अच्छा ये इस बार ऐसा सीन है, ये देखो काफ़ी सारी वेजिटेबल सारी पड़ी है भाई, वेजिटेबल्स यहाँ पे वेजिटेबल्स है, और उसके बाद यहाँ पे मीट भी है, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे तो अपना जितना भी सामान है वो सारे के सारा पड़ा है भाई। पिछली में क्या होता था ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर 1 में, तो उसमें ना हमें वो लिस्ट दी गई होती थी, हम खुद सेलेक्ट करके ना सामान मंगा सकते थे, लेकिन इस बार तो हम सीधा वेयर हाउस में आ चुके हैं। चलो बढ़िया है, और प्रोडक्ट विल बी डिलीवर, ठीक है अपने वहाँ पे डिलीवर हो जाएगा, अपने इन्वेंट्री में रखने की जरूरत नहीं है, ये अपनी जो शॉप है ना वहीं पे आ जाएगा। ठीक है भाई, मैं फटाफट से एक एक करके सबके बॉक्स खरीद लेता हूँ भाई, ये सही है भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है इतनी दूर, फटाफट से यहीं पे आओ वेयर हाउस में और सारा सामान खरीद लो। ये मीट भी सारा ले लेते हैं, ये जो अपने पास आइसक्रीम्स है ना मैं फटाफट से ये भी सारी खरीद लेता हूँ, बाकी ये सामान अभी खरीदने की जरूरत नहीं। अभी यहाँ से निकला कैसे मैं, आया कैसे था, निकले यहाँ से, ठीक है लीव वेयर हाउस, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। एक सेकंड मैं देख लूँ पहले, यार भाई ये तो काफ़ी सारे कंप्लेंट्स है, चलो कोई नहीं वो कंप्लेंट्स को अभी हम दूर करते हैं फिलहाल, तो अभी काफ़ी सारा सामान मैंने ऑर्डर किया वो आया कहाँ पे होगा, इधर तो नहीं, अच्छा वो रहा डिलीवरी एरिया। ठीक है देखो सारा सामान यहाँ पर आ चुका है ना, एक सेकंड ये बॉक्स का बड़े नहीं, अच्छा एक के अंदर एक फिट हो रखा है, ठीक है ऐसे करके भाई, मुझे लगा सामान ही कम दिया उन्होंने। ठीक है, ये फटाफट से जितना भी सामान है, जितने भी वेजिटेबल्स हैं फ्रूट्स है और थोड़ा बहुत जो फ्रिज का सामान है ना, ठीक है उसको भी हम सेट करते हैं। ठीक है, और फिर आज का जो अपना काम है वो हो जाएगा कम्प्लीट,
मैं फटाफट से ये सारे वेजिटेबल्स इनको ना सेट करके रखता हूँ। अब तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी सेट करने में, क्योंकि अब अपने पास स्पेस काफ़ी है ना, क्योंकि अपने पास एक और वेजिटेबल स्टैंड आ चुका है, तो अब आराम से हम खुले खुले करके जो वेजिटेबल्स ना उनको रख सकेंगे। इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, जो लीक है ना उसको हम यहाँ पर रख देते हैं। बड़े वाली चीज़ें तो आपको पता है, ये वाला जो स्टैंड है हम उसमें रखते हैं। एक मिनट, इसको उठा के मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, वैसे भी रात हो चुकी है क्योंकि मुझे साउंड आ चुका है। ठीक है, उसका अलग ही साउंड आता है, लेकिन कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ, ये सारा सामान सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम अपने घर जाने वाले हैं। रात ही रात में ना ये सारा सामान मैं सेट कर देता हूँ फटाफट से। और मीट की भी अब भाई स्पेस की दिक्कत नहीं है, क्योंकि मीट का भी अपने पास एक और नया फ्रिज आ चुका है, अब तो स्पेस की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सिर्फ ये कांदा बचा है, अब फटाफट से इसको भी सेट करते हैं। और बाकी जितना भी सामान था वो सारा सेट हो चुका है। देखो, अपनी वेजिटेबल स्टैंड अभी भी खाली लग रहे हैं भाई, क्योंकि स्पेस ही इतनी सारी है। और वेजिटेबल्स भी वैसे काफ़ी सारी हमने ली थी, लेकिन देखो भाई अभी तो और भी ज़्यादा वेजिटेबल्स आ जाएगी। लेकिन भाई ये बस शॉप देखो भाई, क्या ही मस्त लग रही है अपनी। और ना इसके बीच में मैं वॉल्स भी लगा दूंगा। वॉल्स शायद से मैंने आपको दिखाई नहीं, वॉल्स भी है, तो वॉल्स को अगर हम लगा देंगे ना, तो भाई उसको ना हम एक एक सेक्शन में बांट देंगे, तो और भी ज़्यादा मस्त लगेगा। अब ये काम करते हैं, फटाफट से यहाँ घर चलते हैं, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, खाने पीने की ज़रूरत है नहीं। मैं एक काम करता हूँ, सारी चीज़ें हमने कर ली भाई, देखो पूरी तरह से हमने अपनी जो शॉप है उसको अपग्रेड कर लिया है। तो ठीक है गाइस, आज के इस वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करता है। अगर आपको ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा फटाफट से जाके फॉलो कर लो। और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना।